सब्सक्राइब करें टेक ब्रोस चैनल को और बेल आइकॉन दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियोस के लिए। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक ब्रोस और आज के इस वीडियो में हम लिनोवो K5 प्लस इस मोबाइल को फॉर्मेट कैसा करते हैं ये देखेंगे। दोस्तों, इसके लिए आज मैं आपको दो मेथड्स बताऊंगा कि इसे आप कैसे इंटरनली फॉर्मेट कर सकते हैं। जब आप इसे इंटरनली फॉर्मेट करेंगे तो ये उसी तरीके से रीसेट हो जाएगा जैसे कि कंपनी से आपको डिफॉल्ट सेटिंग के साथ मिलता है। और दूसरा मेथड मैं आपको बताऊंगा कि आप इसे कैसे हार्ड रीसेट कर सकते हैं, जो कि आपको पावर स्विच ऑफ करके एक्सटर्नली करना होता है। दोस्तों, ये दोनों मेथड्स, पैटर्न लॉक रिमूव करना है या आपके किसी मोबाइल की सेटिंग आपकी बिगड़ गई है तो उसके लिए आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको इसके लिए एक चीज एडवाइस करूंगा कि आप आपकी जीमेल आईडी याद रखिए, क्योंकि जैसे ही ये फोन फिर से बूट होता है तो आपको आपकी जीमेल आईडी के लिए पूछ सकता है, इसलिए आप आपकी जीमेल आईडी और पासवर्ड याद रखिए। देखिए दोस्तों, इसके लिए आपको जो इंटरनली फॉर्मेट करना होता है उसके लिए आपको सेटिंग में आना होता है। सेटिंग में आने के बाद में ये वाला ऑप्शन जो बैकअप एंड रीसेट होता है, इसे आपको क्लिक करना है। इसमें सबसे लास्ट वाला ऑप्शन देखिए, फैक्ट्री डेटा रीसेट, आपको इसे क्लिक करना है। आपका ये जो बैकअप योर डेटा बिफोर रीसेट, अगर आपको आपका कुछ डेटा बैकअप करना है तो आप ये चेक कर लीजिए, और अगर आपको ये बैकअप नहीं लेना है तो आप इसे अनचेक कीजिए। और फॉर्मेट इंटरनल मेमोरी, इसे चेक कर दीजिए। अब आप जैसे ही इसे चेक कर लेते हैं तो ये आपको यहाँ क्लिक करना है, ये देखिए इरेज एवरीथिंग, ये देखिए अभी इसका इरेजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और ये एक बार बूट हो जाएगा और बूट होने के 4 से 5 मिनट बाद आपका कंप्लीटली डेटा डिलीट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, 4 से 5 मिनट ये टाइम लेने के बाद में कंप्लीटली इसका इसने इंटरनेट सारा डेटा डिलीट कर दिया है और अब ये डिफॉल्ट सेटिंग के साथ में मैं इसे बूट कर रहा हूं। ये देखिए दोस्तों, अब ये फोन कंप्लीटली इंटरनली फॉर्मेट हो चुका है और इसकी सारी सेटिंग डिफॉल्ट सेटिंग के साथ में ये आ चुका है। अभी मैं आपको इसका दूसरा मेथड बताऊंगा जिसमें आप इसे पावर स्विच ऑफ करके हार्ड रीसेट कर सकते हैं। उसके लिए देखिए दोस्तों, मैं अभी आपको फोन स्विच ऑफ कर रहा हूं। देखिए दोस्तों, अब आप जब इसे स्टार्ट करेंगे तो आपको ये पावर बटन दबाना है और इसका वॉल्यूम का अप बटन दबाना है। तो ये वॉल्यूम का अप बटन और पावर बटन, ये दोनों आप एक साथ दबाइए। जैसे ही ये फोन स्टार्ट होता है तो आप ये सारे बटन छोड़ दीजिए। अब ये देखिए, इसके अंदर आपको पूरे ऑप्शंस आ चुके हैं। अब आपको इसके अंदर जाना है रिकवरी मोड, ये देखिए ये वाला मोड है रिकवरी मोड। ये देखिए, इसके अंदर ऑप्शंस आ चुके हैं, रिबूट सिस्टम नाउ, अप्लाई अपडेट, वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट, वाइप कैच पार्टीशन, ये सारे ऑप्शंस हैं। इसके अंदर जो आपको थर्ड वाला ऑप्शन है वाइप फैक्ट्री डेटा रीसेट, इसे क्लिक करना है। अब यहां पे आप वॉल्यूम बटन के अप और डाउन बटन से आएंगे और जैसे आप यहां आ जाएंगे तो आपको सिलेक्ट करने के लिए पावर बटन दबाना है। ये देखिए, मैंने पावर बटन दबा दिया। नीचे अब इसके ऑप्शन आ रहा है डिलीट ऑल यूजर डेटा, तो मैं इसे यहां पे वॉल्यूम बटन से लूंगा और पावर बटन से सिलेक्ट करूंगा। ये देखिए, वाइपिंग डेटा ये स्टार्ट हो चुका है, ये फॉर्मेट हो चुका है। अब इसे आपको रिबूट करके इसके सारे सिस्टम को फिर से अप्लाई करना है। ये अब 4 से 5 मिनट का टाइम लेगा दोस्तों और आपका जो है तो मोबाइल एक्सटर्नली हार्ड रीसेट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, 4 से 5 मिनट का टाइम लेने के बाद में कंप्लीटली फॉर्मेट हो चुका है। अब मैं इसे बूट करके बताता हूं। तो देखिए दोस्तों, ये कम्प्लीटली हार्ड रीसेट हो चुका है। दोस्तों, इसी तरह के और भी हेल्पफुल वीडियोस के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, आप प्लीज उन वीडियोस को भी देखिए।
इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।